नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव, देखिए खबर है सर, जौनपुर से। जी मैं हाँ, आपको तो बता दें, वर्तमान सरकार की राष्ट्रीय नीतियों उलमा पर कौंसिल का राष्ट्रीय उलमा काउंसिल प्रदेश के सचिव हूँ। प्रदेश सचिव मौलाना मोतीउद्दीन ने जमकर साधा निशाना। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सियासत के रुतबे तो अलग होते हैं जी, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारे ये पूरे परिवार के लोग, जिनके बच्चे, जिनकी पैदाइश है, ये सारे लोग उलमा कौंसिल की एक रीढ़ और एक बुनियाद है जी। सर, क्वेश्चन ये रहेगा जी आपसे जी कि वर्तमान समय में जो हमारे देश की परिस्थितियां बनती जा रही है दिन प्रतिदिन, जी जी एक तरफ किसान जो है धरना पे बैठा हुआ है, जी नहीं उनके ऊपर पानी का बौछार मारा जा रहा है, और जी एक तरफ सरकार जो है अपने लाए हुए फैसले पे अड़ी है, बात जी बनती नहीं दिख रही है। जी सर, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकार एकदम अड़ी हुई। मैं आपको बता देना चाहता हूं दो शब्दों में कि उजालों के शहर में अब स्याही रस्क करती है, गली कूचों में अब तबाही रस्क करती है। नहीं महफूज गलियां हैं, न फूलों पर जवानी है, चमन में आजकल शैतानों की हुक्मरानी है, चमन में आजकल शैतानों की हुक्मरानी है। अब जैसे आप किसान की बात करते हैं, ये तो मान लीजिए मौजूदा मुद्दे हैं जिससे पूरा देश हमारा चल रहा है। सच्ची बात, किसान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, सच्ची बात ये। और मैं ये देखता आ रहा हूं कि बीजेपी के लोग किस बात का जश्न मना रहे हैं। अभी नया साल है, पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का नेता, उसमें बीजेपी भी शामिल है, सब नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं। हक तो बनता है भाई, नया साल है, लेकिन उस नए साल पे मैंने गौर किया तो मुझे बड़ी फिक्र हुई। सच्ची बात यह है कि किस बात का जश्न है? टूटे भारत का, भूखे भारत का, मरते मजदूरों का, गिरती जीडीपी का, बेकाबू कोरोना का, और छिनते रोजगार का, बंद होते व्यापार का, सीमा में घुसते चीन का? किस बात की खुशी है भाई? आप सोचें, गौर करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आंख दिखाते नेपाल का, सोचिए, वेंटिलेटर पीपीई किट घोटाले का, केंद्र सरकार के फलाफ नियतियों का ये हाल बताइए। सर, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल कहीं जो है धरना प्रदर्शन करती हुई नहीं दिखाई दी किसानों के समर्थन में, इस क्या माना जाए जाए? नहीं, आप हमसे दूर हैं। ईमानदारी की बात यह है कि आप हमसे दूर हैं, और सियासत जो है चढ़ते और गिरते सूरज का नाम है। ईमानदारी की बात जी। मैं आपको बताता चलूं, जैसे कुछ नई पार्टियां आपके जिलों में, जहां आप बैठे हैं जौनपुर में, अपने पैर पसारना चाह रही हैं। मैं आपको बताऊं, उनके पैर पसारते हुए मीडिया खूब उछाल रही है, और हमारे लड़ते मरते मदद करते पूरी तरीके से धरने को मीडिया छुपा रही है। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हकीकत में आप हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं तो मेरे प्रोग्राम को जरूर दिखाएं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाया जाएगा जी। तो सर, आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि वर्तमान समय में जी, जैसे किसान तो वहां पे परेशान है ही जी, और सीमा भी जो है हमारी सुरक्षित नहीं है जी जी, आए दिन जो है देखने को मिलता है घुसपैठ की जो है कोशिश होती है जी है, हाँ, सीजफायर का उल्लंघन होता रहता है जी, और सरकार जो है कहीं ना कहीं टल मटोल मटोल कर बात टाल देता है जी। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस मैं ये संदेश देना चाहता हूं इस मुद्दे पर कि हमसे अब और बरहमी कब तक दूर होगी, ये बेरुखी कब तक, जो मतलब हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत होती है, अगर वो नहीं संभाल सक रही है तो मैं जनता से कहना चाहता हूं कि हमसे अब और बरहमी कब तक दूर होगी, ये बेरुखी कब तक, खुद कोई रास्ता तलाश करो, खुद कोई रास्ता तलाश करो, खिज़्र की पैरवी यूं ही कब तक, मुस्तकिल एक चिराग हो अपना, क्या मुस्तकिल एक चिराग हो अपना, रोशनी से रोशनी कब तक।
मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जैसे हम ऐसे मजबूर न बने कि मोदी ही जी देश चलाए चलाने से मोदी ही जी के देश चलाने से देश चलेगा या बीजेपी ही रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। मेरे प्यारे, आजादी हिंदू मुसलमान ने मिलकर लड़ी, हमें अपनी जनता को संदेश देना चाहिए जी। तो गोरे अंग्रेजों को भगाने में किसी एक फर्द का हाथ नहीं था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम अपने देश को जब डूबते हुए देखा था तो हिंदू मुसलमान ने एकता का नारा लगाया। तो इसी तर्ज पर हमें मजबूर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। जो सरकार देश के हित में काम करे उसके साथ रहे, अगर नहीं संभाल सकती है तो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल को मौका दे। तो ये एमएसपी पे बात करते हैं। एमएसपी पे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी जो है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा कि विपक्ष जो है किसानों को बरगला रहा है। इस पर आप क्या कहना है, क्या विपक्ष को मोदी जी के बातों विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, पहली चीज तो विपक्ष बरगला रहा है ये शब्द मोदी जी के लिए ठीक नहीं है। ये शब्द मोदी जी के लिए ठीक नहीं है इसलिए कि किसान पक्ष विपक्ष नहीं होता मेरे भाई। किसान किसान है, आपकी जनता जनता है। और जिस दिन आपको इस देश ने इस रुतबे पर पहुंचाया है जहां जिस नाम का गिरामी का नाम प्रधानमंत्री है उस पद को दे दिया, तो वहां कोई पक्ष विपक्ष तो पार्टी हो सकती है, किसान नहीं हो सकता, जनता की समस्या नहीं हो सकती। सही बात है। प्लीज मेरी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि किसानों के मुद्दे पर गौर किया। तो ये एमएसपी पे जो है, जो बार बार जो है किसान आशंकित है उस पर जो है ये एमएसपी सरकार खत्म कर देगी, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया इस बात को कि नहीं एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो विपक्ष को क्या आशंका है, क्या वास्तव में भी एमएसपी खत्म कर देगी सरकार? मसला इस बात का है कि सरकार ने हिंदुस्तान की आवाम को इतना धोखा दिया है, इतना ठगा है। अगर वो सत्यता भी पेश करना चाहते हैं, अपने आप को सच साबित भी करना चाहते हैं, तब भी विश्वास टूट चुका है। इसी विश्वास पर लोग मानने के लिए तैयार नहीं। तो वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, बीजेपी सरकार है जी, इनके कार्य प्रणाली कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई, इनके कार्य प्रणाली पर तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, इसलिए कि जितने भी काम हो रहे हैं, सही बात ये है पक्ष विपक्ष की नीति, जैसे जनता की जो जरूरत है उसे पूरी की जाए। सिस्टम पर देखा जा रहा है सिर्फ धन उगाही हो रही है, ईमानदारी की बात। सर, उलेमा काउंसिल जो है, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल आगामी जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव है जो है, कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है पूरे जौनपुर जिले में? जैसे पूरे जौनपुर जिले में अगर आप देख रहे हैं तो सच्ची बात यह है कि पूरे जौनपुर जिले में अब तक हम लोगों ने मेरे ख्याल से कितने हुए, 34 सीटों पर हम लोग पैर पसार रहे हैं मजबूती से। कितने की संभावना, कितने सीटों की जीतने की संभावना? अभी हम लोग लगे हैं, ईमानदारी की बात यह है, और हम यह आशंका जताते हैं कि हम 75% सीटें जीत लेंगे और 100 पर हावी होने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ भी जो है ओएससी जी की पार्टी MIM जो है पैर पसार रही है जी जी, वो भी अनुमान लगा रहे हैं कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इतना सीटें, कितना दबदबा रहेगा मुकाबले? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सियासत है, ये हिंदुस्तान आजाद है जी, ठीक है। यहाँ हर किसी को पैर पसारने की आजादी, हर कोई पसार सकता है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि चलते दरिया के मानिंद छलकते जाएं, हम वो कमजर्फ नहीं बहकते जाएं, हमको खाने में कोई कैद न कर पाएगा, हम जहां जाएं वहां महकते जाएं। तो मैं इस बात से यह संदेश देना चाहता हूं कि जिंदगी में दो माँ होती है। इस सवाल को आपने किया है, मैं जौनपुर आजमगढ़ की सरजमी से संदेश देना चाहता हूं, जिस पार्टी का नाम आपने लिया, जिंदगी में दो माँ आती है। एक माँ वो जिसने 9 महीने अपने पेट में पालकर हमें पैदा किया और फिर मेरी परवरिश की। एक माँ वो जो जवानी के बाद सास की शक्ल में आती है।
समझने की कोशिश करें पत्रकार महोदय, मेरी जनता। एक माँ वो जो जवानी के बाद जिंदगी में आती है शादी होने के बाद, जिसको सास कहते हैं। तो सच्चाई ये है कि कितनी सीटों पर वो मजबूत रहेंगे वक्त बताएगा, इसलिए कि माँ माँ होती है, सास सास होती है। तो आजमगढ़ जौनपुर में आमिर रिशादी हिंदू मुसलमान के लिए एक जान दे। जो तबाही बड़ी थी 2008 में, ईमानदारी की बात यह है कि तमाम कायद गूंगे बहरे थे, चाहे वो सपा के हो, चाहे आपने जिस पार्टी की बात की है, चाहे आप मुस्लिम मजलिस की बात करें, चाहे आप नीलोपा की बात करें, चाहे आप बसपा की बात करें, अगर वो गूंगी नहीं रहती तो शायद आमिर शादी की कोई जरूरत नहीं थी। और मैंने आपको बताया जो माँ है वो माँ रहेगी, सास जी है सास। जी, तो आगामी जो मिशन 2022 है, आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखो भाई, मैं आपको बताऊं, चुनाव तो हम फिलहाल अकेले लड़ रहे हैं, सच्ची बात की। अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं आपको इंफॉर्मेशन करके हमारी पार्टी के जो फैसले होंगे तो फिर बात को बताएंगे। सर, आप भी जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं चौधरी ब्लॉक वार्ड नंबर 8 से, उस क्षेत्र पंचायत के विकास के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी? मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय जी, आपने सवाल किया है ना, मेरी जनता मेरी आवाम से घूम घूम कर पूछ लीजिए। आप मेरे इलाके में लोग चुनाव लड़ने आते हैं ना, मैं 5 साल का हर एक दिन हर एक घंटा जनता के लिए लड़ता रहता, ये जान लीजिए आप। लोग जीतने के बाद विकास ने विनाश करते हैं, मैं लड़ा और लड़ता रहूंगा और लड़ाई के दरमियान भी खिदमत खल्क में लगा रहता हूं। मेरी नजर में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। आमिर रिशादी साहब ने जो चीज हमें सिखाई है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, लेकिन शरायत है इसके साथ कि नहीं, गुलामी नहीं, दरबार में अब रहेंगे सरकार में, अब बोरिया बिस्तर उस्तर हम लोग नहीं बिछाएंगे भाई, हिस्सेदारी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के प्रत्याशी को और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की क्यादत को मौका दें, देखिए हम लोग क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उलमा कौंसिल के नए युवा नेता हमारे समक्ष मौजूद हैं, आप किसानों के मुद्दे पे कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं किसान के मुद्दे पे बोलना चाहता हूँ। जो किसान है वो हिंदुस्तान की जान है, और जैसे अभी आपने एक सवाल किया था कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल किसान के मुद्दों पे कुछ नहीं बोली, तो मैं मीडिया से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय उलमा कौंसिल जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं जनाब आसिफ शेख साहब, उन्होंने किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनको कॉल करके उनको पूरा समर्थन दिया जी। और उनकी सारी हेल्प करने के लिए वो सब तैयार हुए जी। और जो अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम साथ में मिलके धरना प्रदर्शन करेंगे जी। यानी आपकी पार्टी पूरा समर्थन करती है? जी बिल्कुल, पूरा समर्थन है हमारी पार्टी का, हम सब का समर्थन है, हम लोग किसानों पेश भी का जगह जगह, और जहाँ रही हिंदुस्तान की बात वहाँ हम खड़े, हमारी पार्टी खड़ी है, हजरत मौलाना आमिर रिशादी साहब खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।